नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। विकास खंड बिलारी में जल जीवन मिशन के तहत प्रज्ञावान टेक्नोलॉजी की तरफ से लगभग 70 ग्राम पंचायतों के 200 से अधिक राजमिस्त्रियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इस दौरान प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर इनके खान ने सभी को प्रशिक्षण दिया और प्रशिक्षण देने के साथ साथ सभी को जानकारी दी कि हमें किस तरह से नई पाइपलाइन बिछा ली है और किस तरह से हमें शुद्ध जल ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर में पहुंचाना है। इस दौरान बताया कि प्रशिक्षण के समापन पर सभी प्रशिक्षण लेने वाले राजमिस्त्रियों को कार्य से संबंधित उपकरण भी बांटे जाएंगे। बताया कि जल जीवन मिशन योजना का लक्ष्य है कि 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर में शुद्ध जल पहुँचाया जाए। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऐसे भाटी, मंडल कोऑर्डिनेटर रोहित यादव, अलीम जमा आदि मौजूद रहे। जल जीवन मिशन समझ लीजिए, दोबारा फिर एक बार मैं बता देता हूँ आपको। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, हमारी खराब हो चुकी है पानी की, और इस टंकी की जो गहराई होगी वो अधिक गहराई का बोरिंग इसमें किया जाएगा। उसके बाद फिर पानी को टेस्ट किया जाएगा। अगर पानी बोरिंग करने के बाद भी सही नहीं आता है तो उस बोरिंग को और अधिक गहराई तक किया जाएगा, यानी 450 फीट से 700-800 फीट तक बोरिंग उसका कराया जाएगा। और वो जो पानी होगा बिल्कुल सही होगा, उसके अंदर बहुत सारे जो रासायनिक तत्व मैंने बताए जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उस पानी के अंदर नहीं होंगे। टेस्टेड पानी होगा, सुबह शाम 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर उस पानी की सप्लाई होगी। और उस पानी को पीने से बहुत सारी बीमारियां, 70-80% जो बीमारियां दूषित पानी पीने की वजह से हो रही हैं उसको रोका जा सकता है। ठीक है, ये है हमारे जल जीवन मिशन का लक्ष्य। तो हेल्प करेंगे और हेल्प करने के बाद में आपको कितना समय भी काम करवाया जाएगा उसका पैसा दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे गाँव के अंदर नल का पानी बंद रही है,